कन्वेक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल। कि भाई जो पार्टिकल्स जो गर्म हो जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, ठंडे पार्टिकल उनकी जगह लेते हैं, तो ये बेसिकली कन्वेक्शन है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है इसमें नेचुरल कन्वेक्शन क्या होती है। नेचुरल कन्वेक्शन है इफ द मटीरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, जैसे गर्म हवा हुई वो ऊपर चली गई, हायर डेंसिटी वाली एयर नीचे आ गई, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन है। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में जबरदस्ती हवा को पंप से आपने भगा दिया तो ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ रही है, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है। फोर्स कन्वेक्शन आपकी बॉडी में भी लगती है, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, फोर्सफुली पंप करता है पूरी बॉडी में, और जो जो ठंडा ब्लड है उसकी जगह लेता है, तो टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है बॉडी का। ये देखो तो इसमें यही फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हार्ट पंप्स एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफरिंग हीट बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो वो हीट ट्रांसफर करता रहता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, तो सर्कुलेशन होती रहती है। तो वैसे ट्रेड विंड्स, जो विंड्स चलती हैं, वो कन्वेक्शन का पार्ट है। सी ब्रीजेस कन्वेक्शन का पार्ट है। मॉनसून कन्वेक्शन का पार्ट है। बस ये कन्वेक्शन है और इसमें कुछ नहीं है।